सर 23/2/2021 को मंगलवार के दिन मुकेश केवट ने एक आवेदन दिया था। उसने आवेदन में एक शिकायत ये दर्ज कराई थी कि है ना एक तालाब पर उसकी एक पहले से समिति कार्य कर रही है, लेकिन विभाग के द्वारा लेन देन करके एक दूसरी समिति का गठन कर दिया गया है। तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की है या क्या जाँच चल रही है उसकी? तत्कालीन जो शासन संचालक यहाँ थे, सुप्रीम पदस्थ थे, उनके द्वारा जो है बस निरीक्षा से रिपोर्ट ली होगी। इसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर जो प्रभारी अधिकारी थे उन्होंने संस्था का पंजन हेतु अनुसंधान करके उपायुक्त सरकार तक भेज दिया, पंजन हो गया। अब जब ये बात जब सामने आई तो उसको विवेचना करके संपूर्ण फाइल को आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर को प्रस्तुत कर दिया गया। उनका जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय वही रहेगा। समस्या ये सब हमारी संस्था थी, ऑलरेडी सक्रिय संस्था थी, और उसके विपरीत में शासन के नियम को ना मानते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए नियमों की, और गलत एक संस्था का गठन कर दिया। उसको साहब कलेक्टर साहब के पास आया था। जे मछुआ पालन की होती है, मछुआ मत्स्य पालन करते हैं, वो संस्था का गठन था, ऑलरेडी था, वहाँ नियम को ना मानते हुए दूसरी संस्था का गठन कर दिया गया अधिकारियों द्वारा। नहीं साथ अपने नहीं की कोई जांच पड़ताल नहीं की। यदि जांच पड़ताल करते तो मत्स्य जो नीति है 2008 के अंतर्गत इस संस्था का गठन नहीं होना था। और दूसरी बात, अधिनियम 1960 सहकारिता विभाग द्वारा भी मतलब इसका अवहेलना की है। इसको कोई जो मेरे पास आदेश रखे, मैं आपको आदेश बता सकता हूँ यदि आप देखना चाहें तो। जी सर, मैंने 21 तारीख को मछुआ विभाग में की थी और 21 जनवरी को मैंने वहाँ की थी जी अपना DR ऑफिस में, मेरा प्रकरण आवेदन लागू। उन्होंने कुछ देखेंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और इसको संस्था को बने 1 साल हो गया। मतलब ये गलत हुआ है, शासन के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, उल्टा किया गया है, नियम से बाहर है। जो इसका गठन की प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया, पूरा गलत है। दिया है साहब, मैंने बताया कलेक्टर साहब को, 35,000 रुपये लेकर गलत तरीके से शासन के नियमों को ना मानकर इस संस्था का गठन किया गया, उसको रद्द की जाए। फैसन अधिकारियों लिए जो उसका निर्माण किया गया है, उन अधिकारियों ने जिन्होंने निर्माण किया, इसमें 420 मतलब गलत किया, मतलब शासन का एक भी मतलब नियम का पालन नहीं किया, सारा उल्टा करके पैसे के दम पर इस संस्था का गठन किया गया है।